हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काजल डेडाज ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। आप देख रहे हो, इस ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अपने स्टूडियो से। और एक मैं गुड न्यूज़ भी दे देती हूँ, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगी। आज मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया आप सबके प्यार की वजह से, थैंक यू सो मच गाइस। तो आज होने वाला है एक मेकअप शूट, तो मैं मेकअप शूट के पीछे कितनी मेहनत होती है और क्या बिहाइंड द सीन्स होंगे वो मैं सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो मेरे साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहना और स्किप करके ब्लॉग बिल्कुल भी ना देखना। सो गाइज, ये है मेरी हेयर स्टाइलर नेहा। हेलो हेलो करो, हेलो। सो गाइज, आज नेहा के साथ हम लोग वर्क करेंगे। सो गाइज, ये है मेरी आज की मॉडल। इनको तो आप सभी जानते होंगे, इनको नहीं जानता कोई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले जो शूट हुआ था वो मेरा और प्रेरणा का साथ में हुआ था। उस टाइम पे प्रेरणा शूट्स नहीं करती थी मेकअप के, सबसे पहला कोलैब मेरे साथ हुआ था। तो यहाँ पे प्रेरणा वही शेयर कर रही है कि हम दोनों का साथ में फर्स्ट कोलैब हुआ था और आज वो फिर से आई है। गाइस देखो क्या ड्रेस आई है, ये किसी और का ड्रेस आ गया है मेरे पास। और हम सोच रहे थे, चलाकी कर रहे थे कि हमें एक और शूट करने को मिल जाएगा इसमें, लेकिन गड़बड़ी हो गई। जान से सुलंदन को धोखा थोड़ी कर रहे हैं, खुद ही तो भेजा ना, उसने सुन लिया ना, मैंने अपनी ड्रेस उल्टी बोला। सारी पिन लगा दी, कांटा लगा हेयर स्टाइल। नया हेयर स्टाइल है ये, कांटा लगा किसी हेयर स्टाइल में सबसे यूनिक। पिन ऐसी लगी हुई है। हाँ, क्या तुम बड़े छोटे बड़ी बड़ी? वैसे मैं भी शायद आपने कराया नहीं है ना अभी तक, ये साइड वाला कोई सेम करता था, मैं वही वाला कर देती हूँ। ये ऑपरेशन थिएटर पे उसके कपड़े पहन के ऑपरेशन वाले, मेरा मेकअप ऑपरेशन हो रहा है, मेकअप ऑपरेशन। और ये सारे राज और ये चक्कू छुरी ये पता नहीं वगैरह वगैरह क्या है। आप तो इंग्लिश ही बोले, अगर आप तो इंग्लिश ही बोलते हैं, आप तो क्या इंग्लिश बोल रहे हो? मेकअप में वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी, और जो ब्रेड लोग गई थी भाई, उस लड़की का तो लुक ही बदल गया। जो रियल ब्रेड आई थी, हाँ उसे वो मारो तो टन बोला है, वो टन बोले नहीं। सो गाइस, यहाँ पे चल रहा है शूट, देख सकते हैं मैंने। देखो आउटफिट बहुत अच्छा है। हाँ, ये मोर को दिखाना, मैं तो थोड़ा सा मेरा इस ब्लाउज में लग रहा था, बट लहंगे ने ना अब हमारा मूड ठीक कर दिया है ना। दिखा देते हैं, अभी एडिटिंग भी कर रहे हैं साथ के साथ हम लोग। मैंने देखी क्या करा, वो वीडियो पीछे कर दी, वो आगे कर दी। साथ में कर दी थोड़ा, तुम लोग कुछ करे जा रहे हो, मैं इस हार की पैर से फटी हुई, देखना अभी हो गई है, पता ही ये मेरी कौन सी जयमाला है आजकल की। नहीं क्या करूं, बस ये बताओ कि। सो गाइस, यहाँ पे चल रहा है शूट और लहंगा बहुत प्यारा है, बस है ना, इसका स्पेशली मोर वाला डिजाइन बहुत प्यारा लगा। मैम आपको कैसा लगा हमारे स्टूडियो में आके? मैम फ्रेंड है मैम, आपको कैसा लगा? लड़ाई हो जाएगी ना। सो गाइस,
हमारी ब्राइड खा रही है, ये डाइट पे है, आज व्रत है इसलिए कर रही है, डाइट पे है ये। मैं तो हुई नहीं अभी, तो मेरी बंद है अभी, मेरी डाइट बंद चल रही है यार। ले लो कोई, लेके देखना मेरे को बताना लाइट, ठीक है थोड़ी कम है, ठीक है। वीडियो बनाओ, फोटोज, वीडियो में ही, फोटो में ही वीडियो बनानी है, लाइव करना है, लाइव फोटो खींचनी है। नहीं इमरजेंसी इमरजेंसी, डॉक्टर साहब पुश बेटा पुश, नहीं हो मैं नहीं कुछ लाऊं, वो वाली गलती करो। हाँ बस देखिए, मैंने आप में पड़ रहा है बहुत ज़्यादा उजाला, करो जो बस ध्यान दे रही है ना, मेरे फ्रेंड अभी भी आपको लाइट। हाँ तो उनके साथ ना इसमें रील में फ्लैश में बना लो ना, तो दो मिनट तक दिखता नहीं। हाँ जानकारी नहीं होगी। गाइस यहाँ पे चल रहा है शूट, तेज तेज बोल लो कौन से हम किसी गाने बना रहे हैं। चलो चल क्या आओ, खुशी खुशी घूमने में आवाज बहुत अच्छी आई है, मस्त आया सही में। क्योंकि ऐसे लग रहा है छन छन हो जैसे, है ना, पता है ऐसे लग रही है आपको ना दबा नहीं पा रही, ऐसे मैं करती हूँ ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे ना दबा ऐसे बंद कर लू। हाँ वो दाना हो रखा है ना, ऐसे चिपची हो रही है। हाँ ये चीज रिकॉर्ड कर लो, बेचारे मर घूमो घूमोगे घूमो अगर पूरी लो क्या घूमो घूमो। हाँ बारिश आ रही है, वीडियो बारिश रुको टिंडिंग कोई ट्रांजिशन करे। सो गाइस हमारा शूट हो गया है कंप्लीट, ये डॉक्टर साहब इमरजेंसी के लिए जस्ट इन केस कोई मुंह धोके डर जाए। हां देख लो ये मैं स्टैंड नहीं डरेगी भाई, इसमें तो पता है तेरे मेकअप की तौहीन कर रही है ये। इनके शूट में ऐसा था कि हमें मतलब हाइलाइटर बंद करनी पड़ती, इतनी चमक रही थी, इतना गोरापन इसके चेहरे पे आ रखा है देखना। ओह माय गॉड भाई इतना ब्राइट क्यों। तो गाइस चलिए अब आ चुकी है घड़ी उस समय की जो समय आप देखना नहीं चाहते, मतलब व्लॉग के एंड करने की, तो यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। डायलॉग से खा के जाओ ये वाली क्लिप बार-बार देखते रहना। तो गाइस चलिए ये वाले व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय लव यू। और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो कर लो, और जिन्होंने ब्लॉग करा है फिर भी हमारे ब्लॉग देख रहे हैं तो वो जाके मेरा वाला भी देखना, क्योंकि अच्छी बातें मेरे ब्लॉग में। बाय कर दो अपने गाइस को, और कोई देर तरह नहीं है पैर कर रखा, दोबारा लाइक कर दे रहे फिर लाइक हो जाता, ठीक है बर्बाद है तुम व्यूज बढ़ाते रहे करो ना। तो चलो गाइस बाय बाय, बताना कैसे लगा आपको आज का हमारा शूट, कैसा मेकअप किया था मैंने, ओ सॉरी इसने। और गाइस आप बोलो ना ये वाली चीज यहाँ पे सैलून पे विजिट करना और ये सारी चीजें कट कर देना, ये कहीं डाल देते हैं ना, कट नहीं करेंगे जो भी है वो अभी के ब्लॉग में बोले वाली चीज। तो काजल भाभी के ब्लॉग में मैं ये चीज बोलने जा रही हूँ कि आप लोग हमारे सैलून पे क्या करें विजिट कीजिए, और ये सब कोई भी मेकअप के लिए मेकअप क्लास के लिए आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, हमारा एड्रेस है संदगा बुराड़ी में, मेकओवर बाय काजल इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पे आपका एड्रेस संदगा बुराड़ी में मिल जाएगा। भाभी लोकेशन शेयर कर देना स्टेटस, कान खागी मेरे। तो गाइस हम जो भी एड्रेस और लोकेशन इंस्टा आइडिया वो डाल देंगे इसमें डिस्क्रिप्शन में, सॉरी तो आप लोग वहाँ देख लेना। फिलहाल के लिए बाय, इसी के साथ ब्लॉग खत्म हो गया, बाय 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 बाय। अरे बंद हो जाओ।